जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है। आज कदम कदम पर साइंसी इजादात से मादियत के नए नए इंकशाफात का चर्चा है। इंसानियत के दामन में इल्म दानिश की भरपूर तजलिया है जिसने अक्ल इंसानी की गिरोह को खोल दिया, जिसका नतीजा है कि इंसान हवाओं के दोष पर उड़ रहा है, फिजाओं में स्टेशन बना रहा है, चांद पर कमंडे डाल रहा है, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहा है, जमीन के पोशीदा खजाने को निकाल रहा है, समुंदरों का सीना चीर रहा है। गर्ज के साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि साइंसी इजादात इस्लाम के लिए चैलेंज है कि मजहब इस्लाम पर इससे कोई हर्फ आता है कि आलात जदीदा के इस्तेमाल का हल हमारी शरीयत में मौजूद नहीं? अगर है तो फिर मुसलमान इनका गलत इस्तेमाल क्यों कर रहा है? मैं आलात जदीदा और मोबाइल के इस्तेमाल का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़्इहिमा, इनके मुनाफ़े मुसल्लम है पर इनके ज़रर का भी इनकार नहीं किया जा सकता। आज दुनिया में उरियानियत, फहाशी और बेहयाई का दौर दौरा है। इनकी बुनियादी वजह इन आलात जदीदा का फरोग है। शैतान इंसान के हाथ में टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर का हथियार देकर मुतमईन हो गया। तजुर्बा और तहकीक से बासानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज 70% से ज्यादा फहाशिया महज इस बुनियाद पर वकूफ़ पसीर हो रही है। आज बाकायदा टीवी पर उरियानियत, फहाशी, बेहयाई और बेपर्दगी की तालीम दी जा रही है। मोबाइल इंटरनेट के जरिए इनकी तालीम दी जाती है। इन शैतानी आलात के फरोग ने मुकर्रम मोहतर रिश्तों के आंखों से शर्म हया का पानी निकाल के गड़े में डाल दिया, बाइज्जत घरानों का माशरती वकार खाक में मिला दिया, अच्छे अच्छे दीनदारों की शराफत दागदार हो गई, बुलंदोबाला वरा व तकवा के मीनारों पर वराटे पड़ गए और जिंदगी भर के नेकनामियों पर बट्टा लगा दिया गया। मुस्लिम माशरे का आप जायजा लीजिए तो आपको मालूम होगा कि वो मासूम बच्चे जिनको कुरान सुनने से भेजा जाता था, जिनकी जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाई होती थी, जिनको तिलावत में सुकून मिलता था, जिनको मस्जिदों में राहत मिलती थी, आज उनको म्यूजिक से विजद आता है, गाने में मजा आता है, मौसीकी में सुकून मिलता है। छोटे छोटे बच्चे कानों में हेडफोन लगाए गाने सुनते और झूमते हैं। वो माँ बाप भी कितने बेगैरत थे जो अपने बच्चों की ऐसी हरकतों को देखकर इन्हें दादे तहसीन देते हैं, इनकी इस खुशी में अपनी खुशी को बतलाते हैं, अपनी आखिरत और बच्चों की आखिरत और मुस्तकबिल दोनों को तबाह करते हैं। जब बच्चे बड़े होकर नाफरमानियां करके नाक में दम कर देते हैं तो वालिदैन शिकवा करते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई, हमारे हुकूक नहीं अदा करती। तो वो औलाद जो अपने रब की नाफरमान हो वो अपने वालिदैन की फरमाबरदार कैसे हो सकती है? सच कहा है ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम ने, तलबे की थाप पर, बाजे की आवाज़ पर, घुंघरू की झनकार पर, रंडियों की आवाज़ पर झूमने वाली माओ के बदन से खालिद बिन वलीद, मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन जैद पैदा नहीं होते, बल्कि खताकार, बदकार और नाफरमान पैदा होते। मोहतरम हजरात, गली गली, सड़क सड़क पर सिनेमा बिनी के अड्डे, हाल हो टाकिज हमारे नौजवान को तबाह करने के लिए काफ़ी थे, लेकिन दुश्मनान इस्लाम के इरादे इससे भी ख़तरनाक थे। वो चाहते थे कि हर घर उरियानियत व फहाशी का मरकज़ बन जाए, रिश्तों के तकद्दस की पामाली हो, बेहयाई का चर्चा आम हो जाए, ना भाई बहनों का एहतराम रहे, ना बेटी और बीवी का इम्तियाज़ रहे, ना बाप बेटे का फ़र्क रहे। इसलिए इन्होंने टीवी, मोबाइल और इंटरनेट को ईजाद किया। मुसलमानों, ये सब यहूदियों की साजिशें हैं, इनसे आगाह रहो, इनसे जितनाब करो। रिवायत में आता है कि मेरी उम्मत बनी इसराइल के कदम बा कदम चलेंगी, हत्ता के बनी इसराइल में अगर किसी ने अपनी माँ के साथ ऐलान या जिना किया होगा तो मेरी उम्मत में भी ऐसे अफराद पैदा होंगे और एक ऐसा जमाना आएगा कि लोग अपनी माँ के साथ ऐलान या जिना किया करेंगे। और शायद वो दौर आ चुका है, ऐलानिया ना सही लेकिन खुफिया तौर पर तो हो ही रहा है। अभी हाल ही का वाकया है कि दिल्ली में एक बाप अपनी बेटी के साथ 2 साल से गलत कार्य कर रहा था और मुंह काला कर रहा था, जब लड़की आजिज हो गई तो इसने रास को फाश कर दिया। ये वाकया अपने ज़बान हाल से चीख चीख कर कह रहा है कि मुसलमानों, अगर तुम अपनी बहू बेटी की सलामती चाहते हो, अगर तुम अपने माओ बहनों के नामों उसकी हिफाजत चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हाथ तुम्हारे माओ बहनों के गिरेबानों तक ना पहुंचे, तो तुम अपने घरों से टीवी को निकाल दो, नाच गाने को छोड़ दो, फिल्म अभिनय को छोड़ दो। सामईन इकराम,
टीवी, मोबाइल और दीगर आलात के वजूद ने इंसान को हकीकी खुशी से महरूम कर दिया, दिल के चैन को छीन लिया, जिस्मानी तकाजों को पूरा किया लेकिन रूह को फाके की हालत में छोड़ दिया। आज पूरी दुनिया चैन व सुकून की तलाश में सरगर्दा है। वो समझती है कि बरहना तस्वीरों में उसे सुकून मिल जाएगा, नाच गाने में उसे सुकून मिल जाएगा, रक्स और डांस की महफिलों में उसे सुकून मिल जाएगा, हसीनाओं के पहलुओं में उसे सुकून मिल जाएगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, सुनो सुनो मस्तानो, सुनो सुनो दीवानो, कुरान कहता है जाओ फाइव स्टार होटलों के धक्के खा लो, जाओ मगरिब की गंदी तहजीब की तरह कपड़े उतार दो, जाओ उन नौजवानों की तरह जानवर बन जाओ, जाओ बाजारों में जीना करते फिरो, अगर तुम्हें सुकून मिल जाए तो मुझे रब कहना छोड़ देना। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, अगर सुकून की तलाश है तो आओ खुदा के दामन में तुम्हें सुकून मिलेगा, टीवी मोबाइल और आलात जदीदा में तुम्हें कभी सुकून नहीं मिल सकता। ये आलात तुम्हारे जिस्म को तो बना सकते हैं लेकिन तुम्हारी रूह को कभी जिंदा नहीं कर सकते। अल्लामा इकबाल ने कहा, खूब नक्शा खींचा है ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपनी इफकार की दुनिया में सफर कर न सका, अपनी हिकमत के गम व पेश में उलझा ऐसा, आज तक फैसला नफा व जरर कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी शब तारीख सहर कर न सका। व आखिर दुआना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें।